गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आधे व्यंजन से बनने वाले कुछ शब्द हैं। फर्स्ट में गुब्बारा, जिसमें ग प्लस छोटी ओ की मात्रा प्लस ब आधा ब है ना, आधा ब जिसको बोलेंगे व्यंजन का आधा मात्रा, ब का आधा मात्रा लिया गया है इसमें, प्लस पूरी ब प्लस आकार की मात्रा प्लस र प्लस आकार की मात्रा, इन सब को मिलाने से बन जाएगा गुब्बारा। गुब्बारा जिसमें आधे व्यंजन आधा ब का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी तरह से अगला है कुत्ता, जिसमें आधा व्यंजन ता है। कुत्ता जो बना है वो का व्यंजन प्लस छोटी ऊ की मात्रा प्लस आधा त प्लस त प्लस आकार की मात्रा बन गई कुत्ता। अगला है चम्मच, जिसमें पूरा च और आधा मा फिर पूरा मा फिर पूरी च मिलकर के बन गया चम्मच। च जो कि एक व्यंजन है, च प्लस आधा मा प्लस पूरी मा प्लस च मिलकर के बन गया चम्मच। ठीक इसी तरह अगला है गन्ना, ग व्यंजन है प्लस आधा ना प्लस पूरी ना प्लस आकार की मात्रा मिलकर के बन गया गन्ना। अगला शब्द है पत्ता, जिसमें प फिर आधा त की मात्रा फिर पूरी त की मात्रा और आकार की मात्रा मिलकर के बन गया पत्ता। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है ध्वज, जिसमें ध आधा ध्व आधा ध ध्व लिया गया है और व और ज मिलकर के बन गया ध्वज। अगला है बंदर, ब फिर आधा न द र बंदर, लेकिन कभी कभी हम लोग बंदर को ऐसे भी लिख सकते हैं न के बदले ऊपर बिंदु द और र बंदर। अगला है मक्खन, म म आधा क की मात्रा और ख और न मक्खन। अगला है मोमबत्ती, म ओ की मात्रा प्लस म फिर ब आधा त और फिर पूरी त और बड़ी ई की मात्रा मिलकर के बन गया मोमबत्ती। अगला है चप्पल, च आधा प और फिर पूरा प और ल मिलकर के बन गया चप्पल। अगला है प्याला, आधा प फिर पूरा य और आकार की मात्रा ल और फिर आकार की मात्रा प्याला। अगला है चक्का, जिसमें पूरी च और आधा क और फिर पूरा प आकार की मात्रा बन गया चक्का।
तो इस तरह से हम लोग आधे व्यंजन का प्रयोग करके कुछ शब्दों को कैसे बनाते हैं ये हमने सीखा।